વેલકમ ટુ સોહેલ મોટર્સ. આજ એક મારુતિ ઓમની કા હેડ અસેમ્બલ કરને જા રહે હૈ. યે હેડ ગાડી કા હેડ થોડા ખરાબ હો ગયા થા, દૂસરા હેડ લેકે આકે ઇસકો થોડા કામ કરા કે ઇસકા ડી લગાને જા રહે હૈ. સબસે પહેલે અચ્છા વાશ કર લેના હૈ દોસ્તો, પ્રેશર વાશ. अभी ये वाशर बैठता है, ये गाइड है, ये गाइड के ऊपर वाशर बैठता है. बाद में ये वाल स्टेम ऑयल सील है, MGP का है, 32 रुपीज़ है इसका एक का प्राइस. ऐसा लुब्रिकेशन करके ऐसा प्रेस कर देना है दोस्तों, सब बैठ जाएगा. छः ऐसे वॉल स्टेम ऑयल सील बैठते हैं. ये 5 हमने पहले से लगा दिया था, अभी प्रेस करके चेक कर लेना है. इसके बाद में वाल्व्स बिठाएंगे. ये नंबर 1 वाल्व है, ये एग्जॉस्ट और इनलेट. ये टाइमिंग साइड का कैम ऑयल सील बैठती है, इधर टाइमिंग साइड है, वो साइड नंबर 1 है. थोड़ा लुब्रिकेशन करके लगा देंगे. ये नंबर 2 है, थोड़ा लुब्रिकेशन करके डाल देंगे. ये नंबर 3 है, ये इनलेट का बड़ा वाल है, एग्जॉस्ट का छोटा वाल है. ये सरफेसिंग पूरा चेक करके लिए हैं. अभी इसके ऊपर एक स्प्रिंग बैठेगा, बाद में एक वाशर बैठेगा. ये इसके लॉक्स हैं दोस्तों, ये वाल्व के लॉक्स हैं. इसको बिठाने का एक ट्रिक है, छोटा सा हमारा ट्रिक है. ये थोड़ा दिक्कत से बैठता है, इसलिए छोटा सा एक ट्रिक बताने जा रहे हैं. ये वाल्व का पुलर है, आपको पता होगा. थोड़ा लूज करके ऐसे सेट कर लेना है. जरा हेड पकड़ के इसको टाइट कर लेना है. नोज प्लेयर लेके थोड़ा ग्रीस लगाना है ये लॉक में, तो थोड़ा ग्रीस लगा के
कनेक्टर में ऐसा रख देना है दोस्तों। ये लॉक को ग्रीस की मदद से थोड़ा उसकी जगह में बिठा देना है। और एक लॉक थोड़ा ग्रीस लगा के ऐसा रखना है। छोटा कनेक्टर लेके लाइट पकड़ बा, लाइट हटा से। ऐसा ग्रीस की मदद से ऐसा पोजीशन में लॉक बिठा लेना है। अभी इसे लूज कर देना है। ये ऐसा आसानी से बैठ जाएगा। देखिए ऐसा आसानी से बैठ जाएगा। ऐसे ही पांच हम लोगों को बिठाना है, पूरे छह बिठा देना है। ये बिठाने के बाद अगला स्टेप आपको बताऊंगा दोस्तों। ये पांच हमने बिठा दिया है और एक बिठाने जा रहे हैं। टाइट कर लेना है। ये लॉक का पोजीशन दिखना है हमको। और ये पुलर कैसा बैठता है देखिए दोस्तों। ये वाल्व को ऐसा बैठता है, ऐसा इधर से पकड़ के रखता है। यहाँ से टाइट करके ये लॉक का पोजीशन दिखता है। ये लॉक को ऐसा नोज प्लेयर में पकड़ के थोड़ा ग्रीस ले लेना है लॉक में, फिर ऐसा रखना है। थोड़ा कनेक्टर में हम उसको थोड़ा वो लॉक के पोजीशन में ऐसा बिठा देना है। और एक लॉक लेना है। थोड़ा ग्रीस लेके रख लेना है। ये ग्रीस की सहायता नहीं है तो लॉक बिठाने में दिक्कत होती है दोस्तों। ये हमारा
पर्सनल ट्रिक है। अभी ये लॉक का वो पोजीशन सेंटर करके लूज कर देना है दोस्तों। लूज करके निकाल देना है, छोटी है थोड़ी। ये देखिए फ्रेंड्स, पूरे लॉक ऐसा बैठ गए हैं। लॉक की जगह में बैठ गए हैं। अभी फिर से एक चेक करना है कि बैठा है या नहीं। ऐसा हैमर में इसको ऐसा मार के टेस्ट करना है। ठीक से बैठा है दोस्तों। ये एक छोटा सा ट्रिक है हमारा वॉल का लॉक बिठाने का। ये देखिए पूरे वॉल्स बैठ गए हैं। कैमशॉफ्ट बिठाएंगे। बिठाने से पहले थोड़ा लुब्रिकेशन करना है। ये लुब्रिकेट करने के लिए एक स्क्रू ड्राइवर को थोड़ा ऐसा एक कपड़ा लगाना है, इसमें थोड़ा ऑयल लगाना है। ऑयल लगा के ऐसा लुब्रिकेशन करना है, क्योंकि उधर तक हाथ भी नहीं जाएगा, ऑयल कैन भी ठीक से नहीं जाएगा। ऐसा लुब्रिकेशन करते हैं दोस्तों। ये हमारा पर्सनल ट्रिक है। बाद में कैमशॉफ्ट थोड़ा लुब्रिकेशन कर लेंगे। लुब्रिकेशन करके लगा लेंगे। लॉक दोस्तों लॉक है, कैम शॉफ्ट बाहर नहीं आता है इसमें। यहाँ पे बैठता है। स्क्रू का टेपर से बाहर आना चाहिए। इसके छोटे स्क्रूस हैं। आज कितनी भी है ये दो स्क्रूस टाइट करना है। मोटी बिटे छोटी मोटी टिप का ये इंपैक्ट का
स्क्रू का बिट है उसमें टाइट कर लेंगे। डबल चेक करके फ्री है कैमशाफ्ट। अभी रैकर का रॉड और रैकर आर्म दिखा लेंगे, इसको थोड़ा लुब्रिकेशन करते हैं। ये भी बिठाने में थोड़ा एक ट्रिक है, छोटा सा ट्रिक नहीं है, इसका पोजीशन ठीक से बिठाना है। ये जो होल है दोस्तों, ये रैकर के यहाँ आना है, अगर ये उल्टा बिठा दिए तो ऑयल इधर पास नहीं होगा।